नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका जय मोटर्स में। आज हम इस वीडियो में बात करेंगे मारुति सुजुकी की तरफ से आने वाली ऑल्टो के बारे में। 2022 में मारुति सुजुकी ऑल्टो कैसे दिख सकती है, उसके लिए कुछ डिज़ाइंस SRK डिज़ाइंस नामक एक यूट्यूब चैनल के द्वारा बनाया गया था, तो उसी के कुछ पिक्चर्स इंटरनेट पर भी रेंडर हो रहे हैं, तो उसी के बेसिस पे आज के वीडियो को हम बनाने की कोशिश करेंगे। तो आप वीडियो में SRK डिज़ाइंस के द्वारा निर्माण किया गया वो मॉडल भी देख सकते हैं। गाड़ी को देखते ही सबसे पहली नज़र जाती है गाड़ी की ड्यूल टोन के ऊपर। गाड़ी बिल्कुल स्पोर्टी लग रही है, कारंट वाली ऑल्टो 800 के मुकाबले गाड़ी बहुत ज़्यादा स्पोर्टी लग रही है। और हमें कुछ ऐसा लग रहा है कि गाड़ी इंडियन मॉडल नहीं है, वो कोई यूरोपियन मॉडल है। तो सबसे पहले गाड़ी के हेडलैम्प्स को ही देखते हैं। अगर हम इसके साइज़ को देखें तो हमें नहीं लगता है कि इसके साइज़ में या फिर इसके शेप्स में कोई चेंजेस की गई हैं। फिर भी अगर हम अच्छी तरह से देखें तो इसके अंदर हमें LED DLS देखने को मिल रही हैं, साथ में प्रोजेक्टर हेडलैम्प भी दिखाई पड़ रही हैं। बीच में अगर हम देखें तो यहाँ पे मारुति सुजुकी के लोगों को हटा के SRK के डिज़ाइंस ने अपनी लोगों बैठा दिया है। गाड़ी मतलब हेडलैम्प के मामले में काफ़ी वेल प्रोपोर्शन लग रही हैं। अब अगर बोनेट को भी देखें तो वहाँ पर थोड़ी सी हमें ग्रेज फिनिशिंग देखने को मिल रही हैं, साथ में रेड टोन की फिनिशिंग भी देखने को मिल रही है, जिसके वजह से गाड़ी ज़्यादा स्पोर्टी लग रही है। अगर आप रूफ़ को भी देखें तो वहाँ पर भी मतलब थोड़ी सी ग्रेज फिनिशिंग देखने को मिलती है। अगर हम नीचे की तरफ आते हैं तो यहाँ पे रेडिएटर ग्रिल जो है वो भी काफ़ी अच्छी लग रही है, पूरी ग्रेज डिज़ाइन के साथ आ रही हैं, काफ़ी बड़ी भी लग रही हैं। सबसे मज़ेदार बात तो ये है कि इसके बगल में जो फॉग लैम्प्स हमें दिखाई पड़ रही है वो काफ़ी अच्छी लग रही हैं, क्योंकि उसके साइड की जो केसिंग है वो भी रेक्टेंगुलर शेप के साथ आ रही हैं, और ऐसा लग रहा है कि फॉग लैम्प जो है वो LED प्रोजेक्टर हेडलैम्प्स हैं शायद से। और रेडिएटर ग्रिल के नीचे भी अगर हम देखें तो वहाँ पे एक रेड स्ट्रिप वहाँ पे प्रोवाइड किया गया है, जो कि देखने में बहुत ही अच्छी लग रही हैं। गाड़ी इसकी वजह से भी काफ़ी स्पोर्टी लग रही है, तो ये आप देख सकते हैं काफ़ी मतलब अच्छी लग रही है। रेड है या फिर ऑरेंज, आपके नज़र में ये कौन सी कलर है? हमें तो ऑरेंज ही लग रही है शायद से। और इसकी अगर हम साइड प्रोफाइल की तरफ भी देखें तो सबसे पहली तो चीज़ नज़र में यही आती है कि इसकी जो पिलर्स हैं वो ब्लैक आउट कर दी गई है, और इसकी जो रियर व्यू मिरर है वो भी ब्लैक आउट है पूरी तरह से, लेकिन वहाँ पे हमें टर्न इंडिकेटर भी दिखाई पड़ रही हैं। साइड में अगर हम बाकी ग्लासेस को भी अगर हम देखें तो वो भी ब्लैक शेड के साथ ही, तो उसे भी ब्लैक शेड के साथ ही डिज़ाइन किया गया है। पीछे की तरफ हमें थोड़ी सी स्पॉयलर भी दिखाई पड़ रही है, लेकिन यहाँ पे कोई हमें एंटेना दिखाई नहीं पड़ रही है। और बाकी के डिज़ाइंस तो सेम ही लग रही हैं, लेकिन यहाँ पे कुछ शार्प एजेस हमें दिखाई पड़ रही हैं। आप हमें बता सकते हैं कि कायंत वाली जो ऑल्टो 800 है क्या उस पर इतनी ही शार्प एजेस हमें देखने को मिलती हैं, और बाकी तो चीज़ें सेम ही लग रही हैं। हाँ, लेकिन इसके अलावा हुल्स की अगर हम बात करें तो वो काफ़ी डिजाइनेबल लग रही हैं। यहाँ पे कुछ ऐसा लग रहा है कि कायंत वाली ऑल्टो को ख़रीद के वहाँ पे मॉडिफाइड व्हील्स जो हैं वो लगा दिए गए हैं। तो ओवरऑल गाड़ी काफ़ी अच्छी लग रही है, SRK डिज़ाइंस के द्वारा ये काफ़ी अच्छा डिज़ाइन बनाया गया है। और अगर हम गाड़ी की व्हील्स को देखें तो हमें तो नहीं लगता है इसके व्हील साइजेस में कोई बढ़ोतरी की गई है। 2022 में ऑल्टो की यही डिज़ाइन अगर इंडियन कार मार्केट में लॉन्च होती है तो वो मार्केट में धूम ही मचा देगी। और अभी भी अगर हम बात करें तो अभी वाली ऑल्टो 800 भी काफ़ी अच्छी परफॉर्मेंस दे रही है। हालांकि गाड़ी की सेफ्टी के ऊपर हम कोई बात नहीं करना चाहेंगे, क्योंकि हम सभी को पता है गाड़ी की सेफ्टी किस हद तक सेफ है, ये हमें पता है। हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करते हुए जाएगा, हमें खुशी होगी। अंत तक जुड़े रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।